नमस्कार दोस्तों, मैं सर्प मित्र शंकर। दोस्तों, हम समस्तीपुर जिला के हबका गांव आ चुके हैं। यहां पर एक सांप देखा गया, दीवार जब टूट रहा था तो इसमें एक जहरीले सांप है, तो हमें कॉल किया गया। यहां हम पहुंच चुके हैं तो अभी इसको रेस्क्यू करेंगे, तो आप वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसके अंदर बैठा हुआ है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, ये काफी बड़े साइज का है। और आप देख सकते हैं इसका पूंछ भी कटा हुआ है, तो इसके बारे में भी बताएंगे कि इसका पूंछ क्यों कटा हुआ है। और आप देख सकते हैं ये काफी पुराना और लग रहा है खैर पिए घर का है। दोस्तों, हम अपने घर से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर आए हैं और यहाँ पर पहली बार रेस्क्यू करने के लिए आए हैं। दोस्तों, सांप, कोई भी सांप जब भी किसी को काटे तो आप डॉक्टर के पास जाए, क्योंकि झाड़ फूक तंत्र मंत्र ऐसा कोई भी चीज नहीं होता है। ऐसा कोई भी मंत्र तंत्र नहीं है कि किसी के शरीर में ये जहर डाल देगा और वो तंत्र मंत्र से उड़ा देगा। इसलिए किसी को अगर सांप जब भी काटे तो आप डॉक्टर के पास जाए। अगर मान लीजिए हम किसी के शरीर में दवाई सिरिंज से डाल देंगे, कोई ऐसा है कि उसको उड़ा देगा या सिरिंज से दोबारा खींच सकते हैं? नहीं खींच सकते हैं। आप लोग भी समझिए कि ये सांप के जहर में जो होता है दवाई की तरह गाढ़ा होता है, हाईली प्रोटीन होता है, न्यूरोटॉक्सिक होता है। और किसी के शरीर में अगर हम वो जहर डाल देंगे ना, तो कोई तंत्र मंत्र ऐसा नहीं है कि उड़ा देगा। फिर क्या हो रहा है, पहले अगर सांप काटता है कभी भी किसी को काटे ना, तो समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चले जाए, दरभंगा चले जाए, या जहाँ सांप का इलाज होता है, स्नेक एंटी वेनम सीरम आता है दवाई, उससे इलाज होता है और दोस्तों, मेरा मुख्य उद्देश्य है कि अंधविश्वास को खत्म करना। बहुत लोग अंधविश्वास के चक्कर में, झाड़ फूक के चक्कर में मारा जाता है, जिसके कारण हम इसको दूर करना चाहते हैं कि किसी का अंधविश्वास में जानकारी के अभाव में मौत ना हो। अगर किसी को सर्प डंश हो तो डॉक्टर के पास ही जाए। और कोई भी स्नेक रेस्क्यूअर हमेशा सलाह देता है, क्योंकि वो पढ़ाई किया रहता है इसके बारे में और जानकारी रखता है, तो वो सजेशन हमेशा देता है कि डॉक्टर के पास ही जाए। अब देखते हैं, सांप है और ये सिर्फ खाता है मांस, जैसे कि बिल्ली, नेबले और चूहा, इस सबसे झगड़ा होता रहता है इसका शिकार के दौरान। ये मांस खाने वाला जीव हुआ तो जब भी किसी को मारेगा तो इस पर भी कोई ना कोई अटैक करेगा। तो उसी दौरान क्या होता है, इसका पूंछ कमजोर होता है, जिसके कारण टूट जाता है, कट जाता है। हाँ, तो लोग कहता है कि सांप का पूंछ कटा हुआ है, किसी को काट लिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, समझ लो। चलिए जो कहता जो, हाँ वो भी हम बता देंगे चाची जी, से जो कहता जो उसका बिल नहीं नहीं छूने से और नहीं इसके फूक से कुछ होगा। छू भी लीजिएगा कुछ नहीं होगा, सट गया तो कुछ नहीं होगा, या कुछ हवा जो मारता है कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं जारी लगे हवा से भी कुछ नहीं। त्रिशूल आप लोग कहते हैं, त्रिशूल नहीं है,
ये चश्मा आकार आँख के आकार बनाया गया आँख की तरह दिखने में। पक्षी लोग पक्षी क्या करता है ये, इस पर बहुत सारे पक्षी है ना कि सांप को भी खा जाता है, तो पक्षी समझता है कि ये आँख है, सांप का आँख है, उस पर अटैक करता है पीछे से। फिर ये क्या करता है, ये आँख तो है नहीं बच जाता है, अब फिर से ये रिटर्न उस पर अटैक करके उसको ही मार देता है। तो ये कुदरत इसको दिया है बचने के लिए कि कोई पक्षी अगर इसको हमला करे तो ये मर जाए। इसका जहर जहर तो नीरो जहर होता है, इसमें 60 मिलीग्राम तक जहर होता है जो कि हाईली प्रोटीन होता है। अगर किसी को शरीर में अगर इंजेक्ट ये जहर हो जाता है तो उसका ब्लड जमना शुरू। खेल भी हम उन्हें का खेल दबो, भाग भी तो उन्हें का खेल दबो। चलिए चलिए बाबू आप इस पे पैक हो जाइए। बहुत लोग कहता है कि हमको नहीं काटेगा, हम पकड़ते हैं तो नहीं काटेगा। किसी के इसके पास दिमाग है नहीं, ये किसी के नहीं, हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये काटने की कोशिश। अगर इससे हम नहीं बचते हैं तो हमें भी काट लेगा, मेरा भी मौत हो जाएगा और इलाज नहीं होगा। देखिए हम साथ में दवाई लेके चलते हैं। देखिए ये स्नेक एंटीवेनम सीरम है, तो हम साथ लेके चलते हैं। अगर इतना दूर आए हैं, अगर काट लेगा, अगर टाइम से नहीं मिलेगा तो मौत हो जाएगा, यही लेना पड़ता है स्नेक एंटीवेनम सीरम। अगर किसी को काटता है ये दवाई लगेगा तभी जान बचेगा। जहरीला डोरिया धामा साकर हरहर काट लेगा, कुछ नहीं करवाइए, कुछ नहीं होगा, गारंटी मेरा। सिर्फ डर से मौत हो जाएगा वो अलग बात है, लेकिन उसमें जहर नहीं रहता है डोरिया अब आप इसको सही किया, इसका फंड गिरने लगा। नहीं कोई दिक्कत नहीं, हरहरा जहरीला ने वो एक कहावत है कि रविवार या शनिवार को काट लेता है नहीं पता है, 1000 बार काट ले कुछ नहीं होगा। जंगल में इसको छोड़ेंगे सिर्फ जानकारी देने के लिए। देख लीजिए ये बहुत लोग मार देते हैं इसको बिना कसूर के, ये भी जीव है, प्रकृति का देन है, इसको भी प्रकृति को मारना काफी महत्वपूर्ण है। अगर नहीं रहेगा तो खेती के लिए बहुत चूहा पड़ जाएगा, खेती को नुकसान लेकिन ये समझ रहा है कि हम दीवाल में घुस रहे हैं, समझ गए। मुड़ी निकाल ल और चोकला बने एक पालने वाला दोस्तों। तो ये कैलाश पंडित जी के यहाँ ये सांप देखा गया और हम रेस्क्यू भी कर लिए। तो इधर दोस्तों हम पहली बार आए हैं, बहुत लोग अंधविश्वास में भी अभी भी हर एक जगह बहुत लोग अंधविश्वास में जी रहे हैं। तो हम कहना चाहेंगे कि कोई अंधविश्वास के चक्कर में नहीं रहे और कभी भी किसी को सर्प डंस हो या कहीं भी सांप मिले तो उसको रेस्क्यू करवाइए। दोस्तों तो हम आ चुके हैं स्नेक को रिलीज करने के लिए जंगल, तो चलते हैं हम स्नेक को रिलीज करने के लिए।
दोस्तों तो इधर काफ़ी घने जंगल है, तो हम इधर ही सांप को रिलीज करेंगे यहाँ। ये अपने जंगल की ओर चला जाएगा, तो हम इसको अभी निकालते हैं, यहाँ पर छोड़ेंगे। ये काफ़ी फुंका रहा है अंदर से। देखिए दोस्तों, ये जंगल के देखकर काफ़ी एग्रेसिव होने वाला है, आप देख सकते हैं। देखिए ये ब्लैक मेरे बैग को कैसे बाइट कर रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं, इसको ब्लैक काफ़ी दिखाई देता है, जिसके कारण उस पर ये बाइट करना चाहते हैं। तो ये जंगल की तरफ जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये जंगल में निकल चुका है। तो इसी तरह से दोस्तों आप लोग भी स्नेक को, सांप को बचाए, कहीं भी मिले तो इस जंगली और बेजुबान जीव को बचाए, ताकि पर्यावरण बना रहे, सही रहे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा एक सब्सक्राइबर हमें काफ़ी हौसला देता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।